नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 10i वर्सेस Vivo EQ Z3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 10i में 6.51 इंच जबकि EQ Z3 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 10i से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 10i में 3.02 इंच जबकि EQ Z3 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Mi 10i से कम है। बात करें थिकनेस की तो Mi 10i में 0.35 इंच जबकि EQ Z3 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 10i में 214.5 ग्राम जबकि EQ Z3 में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 10i में 6.67 इंचेस जबकि EQ Z3 में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Mi 10i में 1080x2400 और EQ Z3 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 10i में 84.61% जबकि EQ Z3 में 84.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 10i में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि EQ Z3 में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 10i में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और EQ Z3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 10i में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और EQ Z3 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Mi 10i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और EQ Z3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 10i में Adreno 619 जबकि EQ Z3 में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 10i में Qualcomm Snapdragon 750G और EQ Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 10i में 8GB जबकि EQ Z3 में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Mi 10i में अप टू 512GB जबकि EQ Z3 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Mi 10i में Android V10 Q जबकि EQ Z3 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 10i में 4820mAh जबकि EQ Z3 में 4400mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Mi 10i की 23,978 रुपीज जबकि EQ Z3 की 19,990 रुपीज प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Mi 10i में 9
फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें वीवो EQZ3 की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Mi 10i आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 Pro है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V20 Pro है जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है जो कि 22,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।